मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी कौम की तरफ से, और मैं सिर्फ आज आपको इसकी अहमियत बताना चाहता हूँ कि क्यों ज़रूरी था कि आप आज इस तरह एक जिंदा कौम की तरह, जिंदा कौम जो अपने हकूक जानती है, जो अपना नज़रिया जानती है और जो अपने हकूक की हिफाजत करना जानती है, इसलिए ज़रूरी था कि आज आप सब पब्लिक के अंदर निकलें। और मैं फिर आपको आगाह करूं कि ये हो क्या रहा है इस वक्त। पहली चीज, हम ये जो इलेक्शन लड़े हैं, ये जो 20 बाय इलेक्शन लड़े हैं, ये मैं आज आपको कह रहा हूं कि ये सिर्फ इन सारी पार्टीज इनके खिलाफ नहीं लड़े, सिर्फ इन्हीं के खिलाफ नहीं लड़े, हम इंतजामिया के खिलाफ लड़े, हम स्टेट मशीनरी के खिलाफ लड़े, और सबसे बड़ी बात कि हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लड़े। जो रोल इस इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन के अंदर, जिस तरह इन्होंने इलेक्शन करवाया है, इनको सजा देनी चाहिए। इन्होंने हर हर बार इस्तेमाल किया हम इलेक्शन हराने का। मैं अब जिस तरह 26 साल से पॉलिटिक्स में हूं, उमूमन होता है कि इलेक्शन कमीशन का एक पार्टी के साथ हम देखते हैं कि ज़्यादा उसके साथ उनकी फेवरेट होती है, उनके लिए वो करते भी हैं काम, लेकिन मैंने कभी इस तरह की इलेक्शन कमीशन नहीं देखी। ये जो सिकंदर सुल्तान है, मैंने इस तरह का बदयानतदार इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। और मैं सिर्फ अब सारी कौम को बताना चाहता हूँ, ये शुरू किधर से हुआ। डस्का की इलेक्शन हुई, बाय इलेक्शन थी, 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर, तकरीबन 400 पोलिंग स्टेशन में, 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर बेजाबतियां, जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने कहा, इसने सारा इलेक्शन फिर से करवा दिया। और इसने जिस तरह की रिपोर्ट और जिस तरह का इसने एक्शन लिया, ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं पहली दफा पाकिस्तान में कोई किसी ने जुर्म कर दिया। इलेक्शन हरवाया इस टाइम, सेनेट का इलेक्शन आया, हमने सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इस मुल्क में 30 सालों से सेनेट इलेक्शन में पैसा चलता है, रिश्वत दी जाती है, एमपीज को खरीदा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना और उन्होंने अनाउंस किया, रूलिंग दी कि वेरिफाइबल वोट होना चाहिए, यानी जो भी वोट डालें कम से कम उसको वेरीफाई करना चाहिए बाद में, हो सकता है, यानी कि ये जो अपना वोट भेजते थे और खुफिया वोटिंग होती थी, उन्होंने मौका दिया कि पाकिस्तान के अंदर सेनेट इलेक्शन में पता तो चले कि आपके लोगों ने वोट किसको डाला है। इस इलेक्शन कमीशन ने, इसने जिम्मेदारी लेके, इसने वो वोट इजाजत नहीं दी। और मैं आज दावे से कहता हूं, जितना पैसा चला इस सेनेट इलेक्शन में, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में चला। यूसुफ रजा गिलानी का बेटा नजर आ गया, पकड़ा गया वीडियो के ऊपर वोट बेचते, वोट खरीदते हुए, रिश्वत देते हुए। हमने जा हम गए इसके पास, तहरीक इंसाफ, इस इलेक्शन कमीशन के पास, अभी तक इसने कोई फैसला नहीं किया। आठ दफा तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के पास गई, आठ दफा इसने हमारे खिलाफ रूलिंग दी, अदालत में हम गए, अदालत ने इसको ओवर रूल किया। मतलब यह है कि अदालत ने यह कहा कि जो इसने फैसले हमारे खिलाफ किए थे गलत किए। अभी पिछले चंद दिनों में सबसे पहले इसने PP7 पे, सिर्फ कोई 50 वोट का फर्क है, कानून यह कहता है कि जब इतनी कम वोट हो और कोई रिकाउंटिंग करवाए तो ऑटोमेटिकली उसकी इजाजत मिल जाती है, इसने रोक दिया। अदालत के पास गए, उन्होंने कहा रिकाउंटिंग होनी चाहिए, फिर इसने रोक दिया। इसने जिस तरह का ये बाय इलेक्शन करवाया है, जो वो मुजफ्फरगढ़ में हुआ है, सारी चीजें जहां हम बार बार इसको बताते रहे कि क्या हो रहा है, इसने एक दफा हमारे साथ ही चला। और फिर एक और कराची के अंदर भी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन था और एक बाय इलेक्शन आ रहा है, इसने वो इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया सिर्फ एक वजह से कि बारिश आने वाली है, बारिश फोकस्ड के ऊपर इलेक्शन इसने पोस्टपोन कर दिया। मुझे पाकिस्तान की तारीख में बताएं कभी ये सुना है? हम जब
लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन था पख्तूनख्वा के अंदर, सब ने कहा कि दिसंबर के अंदर इलेक्शन के अंदर पहाड़ी इलाकों में पख्तूनख्वा में बर्फ़ पड़ी होगी, मौसम ठीक नहीं होगा। बड़ी कोशिश की, गवर्नमेंट ने पटिशन की इसको, इसने हमारे क्योंकि तरीके इंसाफ था इसने नहीं माना। कोई मौका ये नहीं छोड़ता कि किसी ना किसी तरह तरीके इंसाफ के खिलाफ कोई ना कोई फैसला दे और दूसरों को और जिनके कदमों में ये बैठा रहता है मदद करे। तो मैं सबसे पहले, मैं आज अपनी सारी कौम के सामने कह रहा हूं कि हमने इस इलेक्शन कमिश्नर के नीचे जनरल इलेक्शन हमने नहीं लड़ना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, सारे सूबों के अंदर जो जमात जिसका वोट बैंक सारे पाकिस्तान में है, वो जब कह रही है कि ये इलेक्शन कमिश्नर ने बार बार ये मुतनाज़ा है और ये उसके बावजूद इसमें इतना नहीं है कि जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो रिजाइन करे। 40 लाख लोगों की इन्होंने वोट बनाई और लोगों को मार दिया जो जिंदा है, इसी के ऊपर इसको रिजाइन करना चाहिए। तो मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं कि इसके बावजूद कि इलेक्शन में हर किस्म की धांधली की गई, इसने इलेक्शन कमिश्नर ने पूरी मदद की उनकी, पुलिस का जो इस्तेमाल किया गया, जिस तरह पुलिस ने FIRs काटी, लोगों को धमकाया डराया, उसके बावजूद, इस सारी स्टेट मशीनरी के बावजूद, मैं आज अपनी कौम को फिर से खराज तहसीन पेश करता हूं, मुबारक देता हूं कि जिस तादाद के अंदर कौम निकली है, मैं अपनी ख्वातीन को आज खास तौर पर, जिस तरह हमारी ख्वातीन निकली हैं इस इलेक्शन में, जिस तरह उन्होंने वोट डाला है, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। ये जिंदा कौम हमें नजर आई है। पुराने जमाने में इस तरह के लोग, जिस तरह ये जो पुरानी जमातें हैं, ये धांधली करती थी, पैसे देती थी, रिश्वतें देती थी, सब कुछ करती थी, और ये समझती थी कि जो भी जिसके पास जो एस्टेब्लिशमेंट जिसकी मदद करे वो जीत जाए। वो दिन चले गए हैं, ये कौम आजाद होती जा रही है। और ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैं एक और बात कहना चाहता हूं, पटन की रिपोर्ट आई। पटन एक है इदारा जो कि इलेक्शन के ऊपर जो सारे उनके तफसरा करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, उनके ऊपर सर्वेज करता है, उस इदारे की क्या रिपोर्ट है? उस इदारे की रिपोर्ट है कि 163 तरीके हैं इलेक्शन में धांधली के। उनकी सर्वे के मुताबिक 163 तरीके हैं जिसके जरिए धांधली होती है। और पटन ये कहता है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि 130 धांधली के तरीके खत्म हो जाते हैं EVM मशीन से, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उससे 130 तरीके खत्म हो जाते हैं। और अब ये देखें कि 2-2.5 साल से मेरी गवर्नमेंट ने पूरा जोर लगाया कि किसी तरह EVM मशीन्स आ जाए। ये दो जमातें जो माफियाज हैं, इन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की, ये जो बाकी PDM की पार्टीज हैं इन्होंने मुखालफत की उसकी, लेकिन उससे भी ज्यादा मुखालफत और सेबोटाज इस इलेक्शन कमीशनर ने किया। और अभी आप देख लें कि जो दो इलेक्शन हम हारे हैं, उन दोनों इलेक्शन में, एक मुजफ्फरगढ़ में और एक ये जो पिंडी में, दोनों इलेक्शंस के अंदर रिजल्ट्स डिले किए गए। EVM मशीन से क्या होता है कि एकदम जैसे इलेक्शन खत्म होता है रिजल्ट आ जाता है। जब रिजल्ट डिले करते हैं, जो जुडिशियल कमीशन बैठी थी 2015 में इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने ये कहा कि सारा जो धांधली होती है वो जैसी पोलिंग खत्म होती है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है। और ये ही पटन की अब रिपोर्ट आ गई है। और इसीलिए हम चाहते थे कि EVM मशीन हो ताकि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। इस इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ किया। मैं फिर से अपनी कौम को मुबारक भी देता हूं, जिस तरह मेरी कौम निकली, मैंने जिस तरह का ख्वातीन निकली, लेकिन जो हमारे नौजवान जिस तरह निकले, जिस तरह उन्होंने पैरा दिया, जिस तरह उन्होंने हर किस्म की उन्होंने कोशिश की डराने की, धमकाने की, FIRs सब के खिलाफ जिस तरह कौम खड़ी हुई, मैं सबसे पहले तो आप सबको आज सलाम करता हूं और आपको अपनी कौम की तरफ से, अपने हम सारी कौम, हम सबको अपने आप को मुबारक देनी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा एक नए रास्ते के ऊपर हम निकल गए हैं। इंशाअल्लाह ये कौम, जो मैं हकीकी आज़ादी की बात करता हूँ, उस तरफ हम अब निकल गए हैं।
क्योंकि इलेक्शन के जरिए भी कौमों को गुलाम बनाया जाता है, ये कंट्रोल्ड इलेक्शन के जरिए भी कौमों की अवाम कुछ कहती है और रिजल्ट कुछ और आ जाता है। लेकिन मैंने जो आज आपको खास तौर पर यहां सबको दावत दी और वो अब मैं उस पर आ रहा हूं, इस वक्त आसिफ सरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान, थ्री स्टूजेस, ये सारा अब ये क्या कोशिश कर रहे हैं? कल होना है वोटिंग, कल असेंबली में फैसला होगा कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। सबको पता है कि अब नंबर्स तहरीक इंसाफ के पूरे हैं, चीफ मिनिस्टर बनना है तहरीक इंसाफ का। अब ये पैसा चलाने लगे हैं और दो दिनों से कोशिश कर रहे हैं हमारे लोगों को खरीदने की, सारी कौम के सामने, सारे मुल्क के सामने। सिंध हाउस के अंदर पहले इन्होंने हमारी हुकूमत गराई, हमारी हुकूमत इन्होंने गराई बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के, मीर जाफर ये बने और सादिक मीर सादिक ये बने, इन्होंने उस साजिश का हिस्सा बने, इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई, कैसे हमारे लोगों को खरीदा, हमारे इन्होंने उन लोगों को खरीदा जिन्होंने अपनी जमीर की कीमत लगाई, बेजमीर लोग वो लोग, और इतिहादी वो जो कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता कि पूरे फायदे उठा के हमारे साथ, और फिर जब वक्त आया और जिधर से भी उनको हुक्म मिला, और वो आप तो कई अब तो खुद को ही कह रहे हैं कि हमें हुक्म मिला, आप तो बल्कि नून लीग के लोग, ये जावेद लतीफ और ये एक दो और इनके, वो खुद कह रहे हैं कि जनाब हमें तो धकेला गया है, या हमें तो हुक्म दिया गया नो कॉन्फिडेंस का कि मैं करने का। अब तो ये भी बातें सामने आ रही हैं कि किसी ने हमें धक्का दिया था, हैंडलर्स ने हमें यहां भेजा था। लेकिन मैं जो खास तौर पे उन इन लोगों के निशानदेही करना चाहता हूं कि वोट लिया हमारे नाम पे, उसके बाद इन्होंने पूरे फायदे उठाए गवर्नमेंट में बैठ के और सारी पावर के पूरे फायदे उठाए, ब्लैकमेल किया, इनमें से ज्यादा देर ब्लैकमेल करते थे, जब वोट लेनी पड़ती थी बजट की सपोर्ट करनी पड़ती थी हमेशा अपनी कीमतें लगा देते थे कि जी अब ये भी फलाना फंड चाहिए तो फलाना फंड चाहिए, और उसके बाद इन्होंने उस वक्त गद्दारी की, कौम से गद्दारी की, अपने जो हल्के के लोग हैं उनसे गद्दारी की, आइन से गद्दारी करके इन्होंने अपने जमीर बेच के आज बैठ के जाके दूसरी तरफ। पहले ये हुआ और तब भी जरदारी सबसे आगे था, इस जरदारी ने सिंध हाउस के अंदर लोगों को वहां पैसे खुल के पैसे दिए जा रहे थे सारी कौम के सामने। मुझे अभी भी अफसोस है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को तब सोचना चाहिए था, उन्होंने हमारी स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, चले उनका फैसला है 12 बजे अदालतें भी खोलनी, चले ठीक है। लेकिन सारी कौम के सामने जब इतना बड़ा जुल्म हो रहा था, अवाम का मैंडेट चोरी हो रहा था, अब पैसे लेके अपने आप को बेच रहे थे, तो तब तो कोई अदालत नहीं हमारी इसके ऊपर नहीं आई। और उसके बाद अब क्या हो रहा है, पहले इन्होंने इलेक्शन में धांधली की, वो जीत के हम आए हैं, अब हमारी अक्सरियत है, अवाम ने मैंडेट दे दिया है, क्लियर मैंडेट है, अब पैसा चल रहा है, सबके सामने पैसा चल रहा है। आसिफ जरदारी, मैं आज ये आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ पर बात करना चाहता हूं, 30 साल से आसिफ जरदारी चोरी कर रहा है, इसको 10% कहते थे, इसी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने इस आसिफ जरदारी को 2 दफा जेल में डाला करप्शन के ऊपर। इनकी स्टेटमेंट्स पढ़ने के आसिफ जरदारी को कहते थे कितना बड़ा चोर है, और वो आसिफ जरदारी इन दोनों को कितना बड़ा चोर कहता था। इनके ऊपर बाहर के अखबारों के अंदर मजमून छपे हुए हैं, इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी हुई है इनकी चोरी के ऊपर, इनके ऊपर किताबें, वे ऑफ द वर्ल्ड जैसी किताब, उसमें इनका लिखा हुआ है कि इन्होंने किस तरह चोरी किया है इस मुल्क का पैसा। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर नैब में बने बनाए केसेस पड़े हुए थे, इन सारों के ऊपर करप्शन के केसेस थे। मैं आज यह भी कहना चाहता हूं कि इनको बचाया गया है। शर्मनाक बात यह है कि 3.5 साल मैं कहता रहा कि हमारी पार्टी ने तो
शुरू की थी 26 साल पहले कि पाकिस्तान में एहतसाब होना चाहिए, लेकिन मैं बेबस था। जिनके पास पावर थी वो उन्होंने इनको बचाया है, उनको नहीं इनके इनका एहतसाब होने दिया। अरबों रुपए की चोरी थी इनकी और ऐसे केसेस थे, ये बच नहीं सकते थे, लेकिन इनको बचाया गया। सारे इंसाफ का निजाम हम बेबस बैठे देख रहे हैं, कभी डेट्स मिल रही हैं, कभी बेल हो रही है, फिर कभी जज चेंज हो रहा है, कभी वो बेंच टूट रहा है, कभी कमर में दर्द हो गई है। 3.5 साल हम इनके खिलाफ जो पुराने इनके केसेस थे, ये याद, हमने ही केसेस बनाए थे। केसेस कब के बने हुए थे? इनके दौरों के केसेस बने हुए थे, इनके 10 साल जो उन्होंने लूट मार की। उसके बावजूद हम इनके केसेस के, हम बेबस बैठे थे, कुछ भी नहीं हमारे हाथ में था, नैब हमारे हाथ में नहीं थी। नैब वो जैसे केसेस बनाए क्या करे, कब जेल में डालती, कब बाहर निकालती, गालियां हमें पड़ती थी। हम बेबस थे, और कौन उनको पीछे से रोक रहा था, कौन कंट्रोल, कौन डील्स कर रहा था, हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम ने इन डाकुओं को, जो इस मुल्क को, मैं फिर से कहता हूं, पिछले 35 साल से लोग लूट रहे हैं, इनकी कहानियां सारी दुनिया में। ये जरदारी को 10% कहते थे कि हर चीज पे कमीशन 10% लेता है। इन लोगों को बचाया गया, और अब ये जरा शर्मनाक बात, इन लोगों ने फिर मिलके हमारी गवर्नमेंट गिराई लोगों को खरीद के। अब जब इनके सारी इंतजामिया सब इलेक्शन कमीशन ने मिलके हमें हराने की कोशिश की, पाकिस्तानी कौम ने इनको शिकस्त दी, अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये पैसे चला रहे हैं हमारे लोगों के ऊपर, इनके ऊपर केसेस बनाए हुए हैं। हम क्यों इनको कह रहे हैं होटल में रहो, होटल में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमें डर है ये बाहर निकलेंगे, इनके ऊपर केस करके इनको जेल में डाल देंगे। और जरदारी जैसा आदमी, ये इस मुल्क की तौहीन है कि ये चौड़ा होके किंग मेकर फिर रहा है, जो एक जरदारी सब पे भारी। इस चोर को जेल में डालना चाहिए था बहुत पहले, इसकी क्या खासियत है? सबको पता है ये क्या करता रहा है, बच्चे सिंध को जो इसने लूटा है, जिस बेदर्दी से इसने सिंध को लूटा है और लूटता जा रहा है 14 साल से, सिंध ये बैठा हुए, ये सारे चोरी, वो चीफ मुराद अली शाह का खुद नैब चेयरमैन ने कहा कि जी इसका ओपन एंड शॉट केस है, नहीं कोई नहीं पकड़ता। कभी किसी ने नहीं सोचा कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है कराची, उसके अंदर ये चोरों को बैठाया हुआ है, कोई कुछ नहीं कह रहा इनको, जो भी करें हम। अच्छा जी कानून नहीं, कभी जी वो हम क्या करें जी, अदलिया आजाद है, कभी नैब आजाद है, कुछ नहीं कर सके। अब उस चोरी के पैसे से, पहले जिस तरह मैंने कहा इन्होंने हमारी पहले गवर्नमेंट कराई, अब फिर उस चोरी का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों के ऊपर। कौम को भेड़ बकरियां समझा हुआ है, इनकी कौम के अंदर कुछ है नहीं, सिर्फ बस चोरी के पैसे से अब अपने आप को पावर में रखेंगे। तो मैंने आज सबको इसलिए दावत दी, अगर इन्होंने इस चोरी के पैसे से खरीदो फरोख्त करके पब्लिक का मैंडेट चोरी किया, और ये अगर इन्होंने समझा कि हम भेड़ बकरियां हैं, हम चुप करके मान लेंगे ये जो करने जा रहे हैं, मैं अब सबको, मैं अपनी सारी कौम को वार्निंग दे रहा हूं, मैं सारे इदारों को वार्निंग दे रहा हूं कि हमारी सारी स्ट्रगल आईन के बीच में रही है, हम कानून के बीच में चलते हैं। 25 मई को जो हमारे से किया गया है वो मैं कभी भूलूंगा नहीं, और इंशाल्लाह गवर्नमेंट हमारी आएगी यहां पंजाब में तो हम, मेरे जेन में हमने नाम लिखे हुए हैं उन ऑफिसर्स ने जो उन्होंने कानून तोड़ा इस मुल्क का, औरतों बच्चों पर जुल्म किया, हम भूलेंगे नहीं। मैं आज वाजे करता हूं कि हम कानून और आईन के बीच में हमेशा हमारी स्ट्रगल रही है, हम डेमोक्रेट्स हैं, हम जमहूरी लोग हैं। लेकिन अगर ये किया, अगर इनका ख्याल है कि पैसे लेके ये करेंगे, तो ये मुल्क जाएगा श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका के अंदर वो स्टेज आई, कोई फिर कंट्रोल नहीं कर सकता। जब तक एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों को आईन के अंदर रखते हुए अपना पुरमन एहतजाज करती है, जो इन्होंने हमारे से जुल्म किया 25 मई को पुरमन एहतजाज के ऊपर जो इन्होंने किया, और अगर इसी तरह हम उसके हमेशा पुरमन रहे, कानून के बीच में रहे, अपना राइट, हमारा हक होता है कि पुरमन एहतजाज करना, तब तक तो हम चलते आ रहे हैं। लेकिन अगर
इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया तो मैं आज कह रहा हूं कि मैं जिम्मेदार नहीं, फिर क्या होता है? क्योंकि मेरे कंट्रोल में लोग नहीं रहेंगे। ये जागी हुई कौम है, ये कौम ये ना समझ जाए कि चुप करके बैठी रहेगी कि जरदार एक ऐसा डाकू चोरी के पैसे से, अवाम के पैसे से, अवाम कैसे पैसा चोरी किया हुआ है उससे लोगों को खरीद के और फिर अवाम का मैंडेट करे। ये कौम, इस कौम कंट्रोल नहीं होगी, यही सारे जरदारी और ये छुपते फिरेंगे। और ये वो लोग हैं, मैं आज अपनी कौम को कहना चाहता हूं, दांत काल के बैठे हुए थे, आज डॉलर पहुंच गया है 250 रुपए पे, 250 रुपए का डॉलर हो गया। आज जरा मुल्क के हालात देखें, मैंने कहा भी था और मैं फिर से आज कहना चाहता हूं, मैं न्यूट्रल्स को कहा था कि अगर ये आपने साजिश को कामयाब होने दिया, कोई नहीं संभाल सकेगा आपकी इकॉनमी, खासतौर पर ये चोर जिन्होंने हमेशा जिनका काम ही मुल्क लूटना है, ये तो आए एनआरओ के लिए थे। आज हालात देख लें अपनी इकॉनमी का और जिस तरफ ये मुल्क जा रहा है, कौम को तकलीफ है। ये दान निकाल रहे हैं, ये क्यों दान निकाल रहे हैं? क्योंकि इनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है, डॉलर्स में पैसा पड़ा हुआ है, इन्होंने चोरी करके मुल्क से बाहर पैसा भेजा हुआ है। कौम गरीब होती जा रही है, जैसे जैसे रुपया गिरता जा रहा है कौम की दौलत कम होती जा रही है, और ये दान निकाल रहे हैं क्योंकि इनका तो दौलत में इजाफा हो रहा है। इसलिए मैं सारी कौम को आज कह रहा हूं, आपने अपने देखना कल, अगर इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, ये कौम चुप करके किसी को, मैं आप कह रहा हूं आपने चुप करके नहीं बैठना, एक हद होती है कौम जिधर तक जाती है, पुरमन एहतजाज पे भी रहती है। लेकिन जब आप ये हरकतें करेंगे कि चोर आके लोगों को खरीद के, जिस तरह एक आदमी को भिजवा दिया इन्होंने तुर्की पैसे देके, पता नहीं कितने करोड़ रुपया, अगर ये समझ रहे हैं कि हम इस तरह की कौम चुप करके बैठी रहेगी, कोई इस गलत फहमी में ना रहे। और मैं आप सबसे ये उम्मीद रखता हूं कि कल अगर तो ये इन्होंने ये किया जो भी इनकी प्लान है, पैसे दे के खरीदना लोगों को, तो मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा, कल किसी और किस्म का एहतजाज होगा, और इंशाल्लाह अगर अवाम का मैंडेट को इज्जत दी गई, वाकई वोट को इज्जत दी गई, तो फिर इंशाल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और हम इंशाल्लाह उसका फिर एक जश्न बनाएंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।